हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ संध्या मैम और विवेक सर हैं, तो इनसे जानेंगे कि क्योंकि इसके पहले तो हमने इन दोनों का वीडियो किया था एंड वहां पर उनकी स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में जाना था, लेकिन आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स था कि बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करते थे, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो अभी हम आए हैं इनसे और बात करेंगे कि क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करते थे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। तो मैम सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। सर सबसे पहले तो हम प्रीलिम्स के लिए जानेंगे कि आपने प्रीलिम्स के लिए जो है क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी। प्रीलिम्स के लिए तो मैं जो त्रिकोण बता चुका हूँ, घटना चक्र, लुसेंट और स्टैंडर्ड बुक्स। तो आप बुक दिखा दीजिए क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अगर यहाँ पर बुक्स, क्योंकि आपने यहाँ पर रखी बहुत सारी बुक्स, तो अगर आप दिखा पाए हमारे व्यूअर्स को। तो ये देखिए इधर पूरा, ये हमारी सारी विषय की घटना चक्र है, ये हमारा सारा घटना चक्र हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि घटना चक्र कुछ इसी तरीके से है, उधर आप ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये है जो है पूर्वावलोकन, ये तो, हो गया अर्थव्यवस्था की। इसके अलावा और भी ये हो गई इतिहास की, जो सबसे हैवी है, इसे खत्म करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ये देखिए विज्ञान की नीचे दिख रहा है, और ये भूगोल वाली, और ये तो यूपी स्पेशल का है, और ये हो गया हमारा पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिए स्पेशली फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स के लिए इसे फॉलो करता था, और इसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था, वो भी ये दिखा देता हूँ, वो पड़ा है, दिखाइए ये चीज़। ये तो घटना चक्र में मुझे जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे उनको मैंने बस इसी तरीके से इतिहास का है मेरा शॉर्ट नोट्स, देखिए पॉइंट वाइज सारे नोट्स मैंने बना लिए थे। इसको मैं बार बार रिवीजन करता था, और खासकर एग्जाम से 15-20 दिन पहले इसे पढ़ता था, बस इसे पढ़ता था, लुसेंट और क्या बोलते हैं करंट को। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स के हैं, ये अभी इतिहास का है, और इसे मैंने विज्ञान का बनाया हुआ है, पर्यावरण का बनाया हुआ, सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट से घटना चक्र का मैंने बना लिया था। तो इस तरीके से मैम आप भी यही बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करती थी कि अलग से आपने कोई बुक लिया था? सेम था, मतलब कि घटना चक्र मैंने कभी देखा नहीं, इसकी जो शॉर्ट नोट्स होती थी मैं वहीं से पढ़ती थी। तो मतलब आप दोनों लोग जब पढ़ाई करते थे साथ में एक ही बुक से करते थे, या फिर आप दोनों ने अपनी अलग अलग बुक रखी थी? प्रीलिम्स के लिए तो सेम ही था, मेंस के लिए था कि अगर इसकी नोट्स है तो मैंने उससे देख के कुछ बना लिया, मेरी नोट्स से इसने कुछ सीख लिया, लेकिन अलग अलग नोट्स रहती थी दोनों की, अलग था बुक, बाकी सेम ही था। हाँ, बुक सेम ही था। तो मेंस के लिए आप बताइए कि मेंस के लिए आपने बुक लिस्ट वगैरह क्या चीज़ें फॉलो की थी? मेंस के लिए अगर पॉलिटी की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हम लोगों ने की थी, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन आईएएस से हम लोगों ने नोट्स बना लिया था, सोसाइटी के लिए भी विजन आईएएस की नोट्स आती है तो उससे देख के और गूगल सर्च करके कुछ कर लिया था उससे भी, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज भूगोल की होती हैं उससे किया था, और गूगल से सर्च करके भी कई साइट्स का देख के उसका बना लिया था। और उसके अलावा अगर GS3 की बात करें तो जितने भी टॉपिक होते हैं सिलेबस में उनका आप अलग से नोट्स बना लीजिए, और उसके अलावा मैंने मृणाल इकोनॉमिक्स वहाँ से सर की जो हैंडआउट आती है वहाँ से किया था, ये है। GS4 का सर मैंने खुद से गूगल सर्च करके नोट्स बनाया था, उसमें एग्जांपल्स ढूंढना, डिफिनेशन ढूंढना, उसका अलग से करके, कोई स्पेशल बुक फॉलो नहीं की थी। जी सर। सर जैसे कि प्रीलिम्स में होगा या फिर मेंस में होगा करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज रहता है, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी, क्या कौन सी मैगजीन वगैरह? करंट अफेयर के लिए तो सभी लोग बोलते हैं अखबार पढ़िए, लेकिन मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रयास किया कई बार, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, तो मैंने द हिंदू का चक्कर छोड़ करके डेली आधे घंटे का बायजू का द हिंदू न्यूज एनालिसिस आता था उसे देख लेता था शाम को। उसके अलावा प्रशांत धवन सर के वीडियो जाते हैं, उनको मैं तगड़े से, मतलब उनका एक वीडियो छूटता नहीं था मेरा, मैं उनको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करता था, पूरे उनके वीडियोज देख लेता था। और उसके अलावा घटनासार और घटनाचक्र, इन दोनों की करंट अफेयर किताब आती है, उसको मैं बढ़िया से पढ़ता था। तो एक चीज़ अभी आप दिखा रहे थे जो आँख वाली दृष्टि होती है, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स को दिखा पाएं। कहाँ है? ये है सर, ये घटना चक्र की आँख वाली दृष्टि किताब, करंट अफेयर के लिए है। हाँ, ये करंट के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे, मतलब टॉपर्स का वीडियो देखते हैं, तो वो सारे लोग बोलते हैं कि जो है आँख वाली दृष्टि जो आती है वो पढ़ना चाहिए करंट अफेयर के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो ये मंथली आती है या फिर एग्जाम टाइम पे आती है? एग्जाम के 15-20 दिन पहले आती है ये, 15-20 दिन पहले। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यही है आँख वाली दृष्टि। उसके अलावा सर हम चलेंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और उसके लिए आपने कौन सी बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की? मेरा ऑप्शनल भूगोल था, और भूगोल के लिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं की, और मैं स्टैंडर्ड बुक्स भी भूगोल के लिए नहीं पढ़ा। मैं भूगोल के लिए एक एग्जाम हैकर चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ से मदद ली, और बाकी सिलेबस देखा और पुराने साल क्वेश्चन पेपर देखा ऑप्शनल के लिए, और उन्हीं को, मतलब उन्हीं का नोट्स मैंने बना लिया, और वो देखिए वहाँ मेरी 3 रजिस्टर है,
यही यही तीन स्पायरल नोट से मेरा भूगोल का पूरा है। इसी तीन को मैंने पढ़ के 2020 का मेंस दिया, 2021 का मेंस दिया, 2022 का मेंस दिया। तो इसके अलावा मतलब कोई स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह होती हैं वो चीज़ें नहीं फॉलो की थी आप? स्टैंडर्ड बुक्स मैंने नहीं पढ़ी, हालांकि इसके अलावा मैंने सब्बीर सर के एक नोट्स आते हैं भूगोल के ऑप्शनल के, तो वहाँ से उनके नोट्स मैंने खरीदे मार्केट से और देख लिए जो जो पॉइंट्स मेरे इस नोट्स में छूट रहे थे वहाँ सब्बीर सर के नोट्स मैंने इसमें ऐड कर लिए, बस इतना किया। तो इसके अलावा सर जैसे कि हिंदी का जो पेपर होता है यहाँ पे, तो हिंदी के लिए आपने कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी थी? हिंदी के लिए मैंने पृथ्वीनाथ पांडे की सर की नालंदा वाली किताब आती है उसको फॉलो किया, और बाकी पत्र लेखन वगैरह यूट्यूब से कर लिया था। जी मैम, आपने सेम यही हिंदी के लिए चीज़ें फॉलो की थी? सर सेम था, क्योंकि हम लोग का हिंदी मीडियम भी था तो इतना कोई कठिनाई मेंस के लिए खासकर कोई कठिनाई नहीं थी, काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ी थी। जी मैम, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है और उसके लिए आपने क्या बुक्स वगैरह फॉलो की थी? ऑप्शनल सर मेरा पॉलिटिकल साइंस था, बुक्स तो कोई फॉलो नहीं की थी, सुभा रंजन मैम की नोट्स आती हैं सिर्फ उन्हीं पे रिलाई किया था, उसके अलावा कुछ अगर कुछ छूट रहा है उसमें तो गूगल सर्च करके उससे आप ऐड कर ले रहे हो, करंट अफेयर ऐड कर ले रहे हो, एग्जांपल्स जो करंट अफेयर में नए आते रहते हैं जैसे एंटी डिफेक्शन हो गया या कोई टॉपिक आ गया तो वो आप ऐड कर ले रहे हो, अदरवाइज वही सेम रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना वही। तो वो जैसे बुक लिस्ट वगैरह यहाँ पर आपने बहुत सारी रखी वो आप अगर दिखा पाए कौन सी? रुकिए दिखाती हूँ, जैसे ये है सुब्रमण्यम मैम की नोट्स, ये टॉपिक है आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, हर टॉपिक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, कुछ पॉइंट आपको लग रहे हैं तो आप उसमें मतलब कि पेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जगह छूटी हुई है तो आपको कुछ लगाना है तो आप कर सकते हो, कुछ लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, तो कई बार आप इसको पढ़ लो ना तो फिर, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में है, सिलेबस के हिसाब से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है ये है। इसके अलावा मैंने खुद से भी जैसे कि कोई टॉपिक अच्छे से हो गया है तो एक एक पेज में करके उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना, एग्जाम के टाइम पर वो बहुत काम देता है, जैसे कि ये तो जैसे कि ये है मेरी डायरी, इसमें आप देखेंगे तो जैसे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे सिर्फ एक पेज का है इतना, इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं टॉपिक ये है जॉन लॉक, जॉन लॉक का इस तरीके से दो पेज का मेरा बन गया है इतने में। इसके अलावा जैसे मैकियावली है, मैकियावली आपका ये दो पेज में ख़त्म, इसमें भी मतलब कि मैं क्या लिखती थी कि कोई की पॉइंट, कोई जैसे कि डिफाइनिंग फ्रेज होता है इसको आप लिख लीजिए, जैसे कि मैकियावली को फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म बोलते हैं तो वो आपने लिख लिया ना, मैकियावली के जितने कोट्स हैं ना उन्होंने अगर कुछ कहा है किसी के बारे में कि जैसे कि प्रिंस को ब्रेव होना चाहिए लायन की तरह और चालाक होना चाहिए फॉक्स की तरह, तो वो जो कोट होते हैं वो मैंने लिखे हैं कि पॉइंट लिखे हैं, तो जो मतलब कि आपको एक वैल्यू एडिशन वाला काम करते हैं सिर्फ उन्हीं का नोट्स रहता है, तो इस तरीके से मैंने कर लिया था। तो इसके अलावा मैम जो सबसे पहला पेपर होता है एससी का होता है, तो एससी के लिए मतलब आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या चीज़ें फॉलो की थी? सर टॉपिक दिए रहते हैं तो उन टॉपिक पे आप एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रख लीजिए, वो डेमोक्रेसी हो कोई टॉपिक हो, लिटरेचर पे आता है जो भी फार्मर्स पे आते रहते हैं तो उन पे एक अच्छा वैल्यू एडिशन जो भी पॉइंट है और जितनी इन्फॉर्मेशन है कि फार्मर्स की कितनी दिक्कत इसमें चल रही है, हिस्ट्री क्या रही है अभी तक की, गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, क्या प्रयास चल रहे हैं, ये जो एक जीएस वाला जो पूरा काम है वो आप करके रखिए। इसके अलावा आप कोर्स तैयार करके रखिए, पोएम तैयार करके रखिए, कोई कहानी तैयार करके रखिए उस टॉपिक पर, तो ये जो नए कुछ अलग चीज़ें हो जाती हैं उनको आप अलग से आप नोट्स बना लीजिए और उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा लिख लिख के। तो सर आपने कुछ ऐसे के लिए बुक लिस्ट वगैरह कोई फॉलो की थी? निबंध में मेरा ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता था तो मैंने जो जीएस तैयार किया उसी के हेल्प से मैंने निबंध तैयार किया और बाकी निबंध में थोड़ा बहुत गाने वगैरह यूज में कर लेता था फिल्मी गानों का। तो किस तरीके गाने आप यूज करते थे? अब जैसे 2022 में निबंध आया था बेरोजगारी पर तो मुझे तो कोई गाना दिमाग में नहीं आ रहा था, 2022 में मैंने निबंध हिंदी में लिखा, मैं हिंदी में गाना सोचा तो वही बेवफा सनम का गाना था, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे इस बात का मलाल है, जरा फिर समझकर जवाब दो मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो बेरोजगार युवा इस गाने के माध्यम से अपने दिल की आवाज़ उठा रहा है, सरकार से पूछ रहा है कि आप उसका दर्द समझ क्यों नहीं रहे हैं, इस तरीके से गानों की मैंने कॉपी किया। जी सर, सर जैसे कि आपकी जो मेंस की पूरी तैयारी रही है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले आप पूरा प्रिपेयर होकर जाना चाहते हैं, तो क्या आपने इसके लिए कहीं मॉक टेस्ट वगैरह दिया था? मेंस के लिए मैंने टेस्ट 3 ज्वाइन की थी यहीं इलाहाबाद में, उसके अलावा एक पेरुसल जीएस रिसर्च होता है, कोचिंग है,
उसके वीर सर एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चला रहे थे आंसर राइटिंग के लिए, उसमें 104 बच्चे थे लगभग, तो उसमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। उसी ग्रुप से आकांक्षा अवस्थी मैम का DSP के पद पर चयन हुआ है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आंसर राइटिंग की थी। तो क्या मतलब यही सारे सोर्स वगैरह मैम आपने भी फॉलो किया था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करने में? जी सर, सोर्स सेम ही थे, घर पे भी थोड़ा आंसर राइटिंग हो जाती थी। इसके अलावा धे IAS में मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, वहाँ पे जाके हमने टेस्ट लिखे थे। दोस्तों आई होप हमें जहाँ तक लगता है कि हमने पूरी बुक लिस्ट वगैरह जो भी थी इन्होंने पढ़ी थी मेंस के लिए, सारी चीज़ें जो है लगभग वीडियो में कवर कर दी हैं। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता था इस वीडियो को लेकर कि हाँ ये वीडियो लगे जहाँ पर हम जो है बुक लिस्ट वगैरह के बारे में जान सकते। दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, एंड सर को और मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने एक बार फिर से हमें जो है समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।